हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं नाइन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 फॉर क्लास 10th। इसमें हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी जो कि एंगल बी पर राइट एंगल्ड है। एबीसी टेंजेंट ए इजल टू 1/√3, क्योंकि यहाँ पे ए है इसलिए मैंने बेस में एक्यूट एंगल ए लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है, और कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ज़रा देखिए, जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ तो हम जैसा नॉर्मल लेते हैं वैसे ही लेंगे, लेकिन जहाँ सी आया हुआ है वहाँ पर हम परपेंडिकुलर और बेस के लिए पी डैश एंड बी डैश लेंगे। पी डैश बराबर होगा एक्चुअल बी के और बी डैश बराबर होगा एक्चुअल पी के। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सम को करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट अस डू। गिवन है हमें टेंजेंट ए इजल टू 1/√3। टेंजेंट ए मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पी, पी मतलब सॉरी बी सी, बी यानी कि बेस ए बी। ओके, तो हम लेट करेंगे, लेट बी सी इक्वल टू 1x यानी कि x यूनिट, एंड 1 है ना इसलिए x ही आएगा, 1 × x x ही होता है, और ए बी इक्वल टू होगा √3x यूनिट बी सी, एक्स यूनिट ए बी √3x यूनिट। अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है इसमें। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इजल टू बेस स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। बेस हमारे पास है √3x होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर, ये बना √3x स्क्वायर का रूट हट जाएगा ये, और x का x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का रूट हट गया, 3 बना x का x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये बना 4x स्क्वायर जो कि होता है 2x होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x है, और पूरे का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट खोलेंगे वापसी हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, देखिए एच स्क्वायर इजल टू 2x होल स्क्वायर, 2 से 2 हट गया, h की वैल्यू आई 2x यूनिट। ओके, अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, उसके बाद हमें जो वैल्यू निकालनी है ज़रा देखिए साइन ए कोस सी, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू होगी पी अपॉन में एच, पी हमारी है एक्स, एच हमारी है 2x, तो ये बना 1/2। फिर हमें निकालना है कोस सी, कोस सी के केस में सी ऊपर है ना तो हम पी डैश या फिर बी डैश लेंगे। कोस सी वैसे क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है तो डैश लगा दिया, और बी डैश इक्वल होगी पी के। ओके, तो पी, पी दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे सी है ना जिसमें बेस वाला एंगल ना आए, जैसे ए है ना यहाँ पे तो बेस में ए नहीं है, सी ऊपर वाला आ गया, तो उसमें हम बी डैश या पी डैश लेंगे, तो जो बी डैश है वो पी के बराबर होगा, अगर यहाँ पे पी डैश होता तो वो बी के बराबर होता विदाउट डैश। ओके, समझ में आया आपको, तो पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है एक्स अपॉन में एच, एच मतलब 2x, तो ये भी हमारा 1/2 ही आया है। नेक्स्ट है कोस सी के बाद में हमें निकालना है कोस ए, कोस ए इक्वल टू किसके आएगा, सी
क्योंकि ए बेस वाला ही आया है, इसलिए वैसे का वैसा ही होगा बी अपॉन में एच। बी की वैल्यू है रूट थ्री एक्स और एच की वैल्यू है टू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, रूट थ्री बाय टू। नेक्स्ट है कोस सी, कोस ए साइन सी, साइन सी यानी कि ऊपर वाला आ गया ना, तो हम इसमें क्या करेंगे पी डैश लेंगे, पी डैश अपॉन में एच, पी डैश बराबर होगा बी के, जैसे कि बी डैश पी के बराबर हुआ था तो पी डैश साइन सी पी अपॉन एच होता है ना, तो पी डैश लेंगे इसमें क्योंकि सी ऊपर है, पी डैश अपॉन एच, पी डैश बराबर होगा बी के, बी अपॉन में एच, और बी हमारा है रूट थ्री एक्स अपॉन में टू एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, ये आया हमारा रूट थ्री बाई टू। तो ये वाली भी सारी चीज़ें आ गई, कोस ए निकाल लिया हमने, कोस सी निकाल चुके हैं, साइन ए निकाल चुके हैं और साइन सी निकाल चुके हैं। अब हमें सिर्फ इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो मैं ऊपर वाली जो वैल्यू ये है इसे रब कर देता हूँ। आप वीडियो रोक करके पहले लिख सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ओके, स्पेस कम होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ेगा। और अब क्या हो रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये लेंगे, हमारे पास है साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई, साइन ए की वैल्यू है 1/2, कोस सी की कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन होगा, इसका मतलब कोस सी की वैल्यू है 1/2। ओके, कोस ए की वैल्यू क्या है, रूट थ्री बाय टू, साइन सी की वैल्यू भी रूट थ्री बाय टू, तो हमारे पास होता है 1/4 प्लस में रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री 2 × 2 = 4, दोनों डायनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, 4/4 दैट इज 1, तो हमारी इसकी वैल्यू आई 1। नेक्स्ट है कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी, तो कोस ए की वैल्यू देखिए ये रही रूट थ्री बाई टू इंटू में कोस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू। तो देखिए क्या आ रहा है, रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री, टू टू जार फोर माइनस 1 × √3 न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई अपॉन 2 × 2 = 4, कट गया ये 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू आई हमारी 1 और इसकी वैल्यू हमारी आई है 0, ये दो हमारे आंसर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज एक बार लिख लीजिए इसको, अच्छे से देख लीजिए। अब मैं इसे रब करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है एक ट्रायंगल PQR जो कि राइट एंगल्ड है, एंगल मतलब पी क्यू पॉइंट के ऊपर, और हमें गिवन है PR + QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी कोस पी टेंजेंट पी, तो चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन। हमें PR + QR, हम किसी एक को पहले एक्स मान लेते हैं, चाहे हम PR को माने x, चाहे हम QR को माने x, तो QR को मैं x सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अगर PR + QR = 25 है और मैं RQ को x मान रहा हूँ, इसको x मान रहा हूँ, तो PR + X = 25 हुई, तो PR की वैल्यू क्या होगी x के रूप में, 25 - x, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हुआ 25 - x सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है।
ओके। तो लेट करते हैं, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स यूनिट, यूनिट तो हमें दे रखी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दिया। देन पी आर इज इक्वल टू होगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, कैसे आई मैंने आपको बता दिया। ओके तो अब हमें निकालनी है इस एक्स की वैल्यू, ताकि हम इन तीनों की वैल्यू को आसानी से निकाल सकें। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से ही ऐसा कर सकते हैं। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से होगा एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एच की वैल्यू है 25 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस पी, पी यानी कि ये क्यू आर एक्स स्क्वेयर, बी यानी कि बेस यानी कि 5 स्क्वेयर। देखिए a माइनस बी, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, फार्मूला इसका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, तो वही वैल्यू में वही जो है फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो 25 का होल स्क्वेयर प्लस में x का होल स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू में 25 इंटू में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। तो ये तो हमारा फार्मूला था जो हम लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, तो इसके इक्वल में ये वाली चीज़ आई है हमारी। ओके, अब 25 होल स्क्वेयर इक्वल टू होता है 625 प्लस, देखिए यहाँ ना एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, सेम चीज़ हो इक्वल के दोनों तरफ तो वो कट जाती है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर अगर इधर लेकर के आए तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, ये कट गया। यहाँ आया माइनस 2 25 50 2 multiply 25 50 x इजगल टू 5 का होल स्क्वेयर 25, तो माइनस 50x इजगल टू 625 उधर जाएगा, 25 माइनस 625 सब्ट्रैक्शन होगी माइनस 600, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है, प्लस है ये माइनस है, तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 625 बड़ी वैल्यू है, और सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि डिफरेंट साइन है, सेम साइन में एडिशन होती है, साइन वही आ जाता है, तो डिफरेंट साइन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगी, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और सब्ट्रैक्शन करके 600 आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, माइनस 600 अपॉन में माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे इसको, 5 वन जार वन बचा वन वन एंड टेन 12 जार, तो 5 12 जार 60 होता है, 12 एक्स की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, इस एक्स की वैल्यू आ गई है जो कि 12 सेंटीमीटर हुई, और ये वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, तो अब साइन पी निकाले हम, तो देखिए साइन पी किसके बराबर होगी, साइन पी होगी पी अपॉन में एच, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, साइन और कोस में डेनोमिनेटर में एच आता है हाइपोटेन्यूस, साइन के केस में न्यूमिनेटर में आएगा पी, और कोस के केस में न्यूमिनेटर में आएगा बी, और टेंजेंट के केस में क्या होगा, पी ऊपर और बी नीचे, और जो सीकेंट कोसीकेंट है कोटेंजेंट है हम पहले कर चुके हैं, सीकेंट उल्टा होता है, कोस का रेसिप्रोकल होगा, साइन है वो होगा कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट निकालना हो तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, एच अपॉन पी हो जाएगा, और कोट पी निकालना है तो टेंजेंट पी का उल्टा कर देंगे, टेंजेंट होता है पी अपॉन में बी, वो हो जाएगा बी अपॉन में पी, तो साइन पी इज इक्वल टू हुआ पी अपॉन में एच पी, पी यानी कि परपेंडिकुलर, जो कि हमारा है 12, एच हमारा है
13। नेक्स्ट आई वैल्यू जो हमें निकालनी है कोस पी, कोस पी इक्वल टू होगी बी अपॉन में एच, बी हमारा है 5, एच हमारी आई है 13। नेक्स्ट टेंजेंट पी, इसमें पी ऊपर और बी नीचे डेनोमिनेटर में, पी की वैल्यू है 12 और ये है 13। ओके, तो ये तीन हमारी आई है वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस 10th क्वेश्चन ऑल्सो। अब हम करते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। यहाँ एक गलती हो गई है, आप प्लीज़ ये देखिए, बी की वैल्यू हमारी 5 थी, यहाँ हम लिखेंगे 5। छोटी मोटी मिस्टेक तो प्लीज़ आप ही देख लीजिए और उसको ठीक कर दीजिए। ओके, अब इसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स है 11th क्वेश्चन में। हमें क्या करना है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट दे रखी है ये और तीन और है, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो जस्टिफिकेशन दीजिए, फॉल्स है तो जस्टिफिकेशन दीजिए। तो ज़रा हम पहले 1 और 2 को कर लेते हैं, फिर बाकी के पार्ट्स इसके करते हैं। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन, कह दीजिए क्यों इसमें हम इतने पजल होंगे, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, आंसर कह दीजिए चाहिए इसको। तो टेंजेंट ए ज़रा देखिए, हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी के अंदर क्या थी, ये हमारी आई थी 13, ये आई थी 12 और ये आई थी 5, राइट। तो यहाँ ए है, बी है, ये सी है। अगर ये केस ट्रू है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल बन सकता है, तो इस केस के अंदर हमारी जो टेंजेंट ए है, टेंजेंट ए वो क्या होगी, पी डैश अपॉन में बी डैश, क्योंकि ए जो है वो ऊपर की तरफ है, पी डैश अपॉन में बी डैश। पी डैश का मतलब हुआ बी, बी डैश का मतलब हुआ पी, यानी कि 5 अपॉन में 12। तो इसमें देखिए ये लेस है, ओके मान लेते हैं बात को, लेकिन अगर हम टेंजेंट बी निकालें तो ज़रा देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, पी अपॉन में बी, यानी कि 12 अपॉन में 5। तो यहाँ तो इसका उल्टा हो गया, ये वैल्यू क्या आ रही है, मोर देन 1 आ रही है, यानी कि अगर ये बी की जगह मैं ए होता और इस ये यहाँ पे बी होता तो ये ट्रू होता ना, यानी कि किसी भी एंगल ए के लिए ये वैल्यू हो सकता है कि लेस देन हो और ये भी हो सकता है कि ग्रेटर देन 1 हो। ओके, तो ये इसलिए फॉल्स है, बिकॉज टेंजेंट बी इज ग्रेटर देन 1, सो स्टेटमेंट के लिए क्या आएगा, फॉल्स। अच्छा, ये तो रहा हमारा 1 पार्ट। सेकंड पार्ट है सेकंड ए इजिकल टू 12 अपॉन में 5। अब आपको पता है कि सेकंड ए होता है कोस का उल्टा, कोस होता है बी अपॉन में एच, तो ये हुआ एच और ये हुआ बी। हाइपोटेन्यूस जो है हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है, कभी भी ये छोटी नहीं होगी, यानी कि जो ये हाइपोटेन्यूस है ये हमेशा ही बड़ी होगी। तो ये किसी भी एंगल ए के लिए ये ट्रू है, 12 अपॉन में 5, एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, सो इट इज ट्रू, ये ट्रू हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ हम कोई भी वैल्यू 12 ले और ये 5 ले तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, लेट मी राइट थर्ड पार्ट एंड अदर पार्ट्स फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन देम फॉर यू, प्लीज राइट देम प्रॉपरली। अब देखिए ये थर्ड पार्ट है, इसमें है कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नो, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, तो कोसिकेंट नहीं, कोस ए थर्ड के लिए हम लिखेंगे फॉल्स एज
कोस ए इज द एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन फॉर कोसिकेंट नहीं होता, कोसेके का होता है एब्रीविएशन, नॉट ना कि कोसिकेंटे। थर्ड फॉल्स हो गया। अब है फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए, नो ये भी फॉल्स होगा। कोट ए इज द कोटेंजेंट ऑफ ए, राइट, ये क्या है कोटेंजेंट है। कितने पार्ट रह गए इसके, अब बस इतने ही है, ये लास्ट सम है। और फिफ्थ जो है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब आप ये देखिए साइन थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा पी अपॉन में एच होता है। यहाँ देखिए इसके कोरस्पोंडिंग में जो पी की वैल्यू है कभी भी हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं होता, एच मस्ट नॉट लेस देन बेस और परपेंडिकुलर, कभी भी नहीं, हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं होगा, ना तो बेस से ना कि ना ही परपेंडिकुलर, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जिसकी वजह से ये हुआ फॉल्स। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 8.1 एक्सरसाइज, इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल डू 8.2 एक्सरसाइज, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो।